स्वागत है आपका रेल विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे वन लाइनर की यानी एमसीक्यू की प्रैक्टिस, बायोलॉजी के एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराएंगे, जिसमें से दो टॉपिक लिए हैं, एक वायरस एक जीवाणु। वायरस और जीवाणु से संबंधित जो रोग होते हैं या अन्य संबंधित जो भी जानकारी है वो हम आपको एमसीक्यू के माध्यम से बताने वाले हैं। इससे पहले हम आपको कई टॉपिक के बारे में पढ़ा चुके हैं और लगभग 90% साइंस को हम खत्म कर चुके हैं, जो आपको इसी चैनल पर उपलब्ध मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ उपलब्ध है और ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगी। बाकी सारे हमने टॉपिकों की प्लेलिस्ट बना दी है, जो आप जाइए चैनल पर विजिट कीजिए और देख लीजिए। अगर चैनल को अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, अंत तक देखें ताकि पूरी बात को समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है बायोलॉजी में, दो टॉपिक लिए गए हैं, एक टॉपिक है वायरस और एक है बैक्टीरिया। एक वायरस है, एक बैक्टीरिया है, यानी एक विषाणु है, एक जीवाणु है। तो सबसे पहले है क्वेश्चन कि वायरस जनित रोग है मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, इन दोनों है या एनओटी का मतलब है नन ऑफ दीज। इस पर लिख दे रहे हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज का मतलब है इनमें से कोई नहीं। जहां भी लिखा है एनओटी मतलब है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रोग है। इनमें आपका जो आंसर है ये है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरस जनित रोग है। फिर ये मलेरिया क्या है? मलेरिया मलेरिया एक प्रोटोजोआ है, जो मादा एनाफिलीज नामक मच्छर से होता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है वायरस की खोज। वायरस की खोज किसने की थी? इवान मस्की, मिलर, लेमार्क या एनओटी। एनओटी का मतलब है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा इवान मस्की। कौन थी? इवान मस्की ने वायरस की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, वायरस को हम देख सकते हैं नग्न आंखों से, सूक्ष्मदर्शी द्वारा या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए आपका वायरस को हम देख सकते हैं नग्न आंखों से, सूक्ष्मदर्शी द्वारा या इलेक्ट्रॉन। इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा। अगला, वो जंतु वायरसों में से केंद्रीय क्रूर होता है, यानी कि जंतु जो वायरस होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? आरएनए, डीएनए या प्रोटीन या कोरोना। तो इसका सही आंसर होगा आरएनए। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डाई न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का पूछा जाता है कि डीएनए की खोज किसने की थी, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि डीएनए की खोज किसने की थी, ठीक। और प्रोटीन की भी बताएं कि प्रोटीन की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर पांचवा, मनुष्य में रेबीज किसके कारण होता है? विषाणुओं, जीवाणुओं या कोरोना। एनओटी का मतलब है नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका बताएं आप आंसर क्वेश्चन नंबर पांचवा कि रेबीज मनुष्य में रेबीज किसके कारण होता है, विषाणुओं, जीवाणु, कोरोना। आपने ये तो पढ़ा होगा कि रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, वो संक्रमित कुत्ते के काटने से होता है, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा होगा किस कारण होता है। तो इसका सही आंसर होगा विषाणु यानी कि वायरस। क्वेश्चन नंबर छठ, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी तो किसे कहते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? जीवाणु, वायरस, या कोरोना।
सही आंसर होगा वायरस। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। अब युगलीना समझ लें कि युगलीना क्या है। युगलीना में पूछा जाता है युगलीना क्या है। युगलीना जंतु और पादप, युगलीना जो है वो जंतु जंतु और पादप की बीच की कड़ी है। कौन? युगलीना। युगलीना क्या है? जंतु और पादप के बीच की कड़ी है युगलीना। युगलीना में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जो युगलीना क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है। ठीक, आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम करवा चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है कि जुखाम किस वायरस से होता है? आरएनए वायरस या रिनो वायरस या डीएनए वायरस या कोरोना? इसका सही आंसर होगा रिनो वायरस, रिनो वायरस से। क्वेश्चन नंबर 8वां, वायरस का खोल बना होता है वसाओं का, प्रोटीन का, विटामिन का या कार्बोहाइड्रेट का? तो इसके लिए आपको सही आंसर होगा जो वायरस का खोल बना होता है प्रोटीन का। क्वेश्चन नंबर 9, वायरस होते हैं मर्त्योपजीवी, सहजीवी, स्वपोषी या परजीवी? इसके लिए आपको सही आंसर होगा परजीवी। क्वेश्चन नंबर 10, वायरस खोल, यह वायरस बना होता है, ये खोलता है, लेकिन वायरस किसके बना होता है? ये तो वायरस का खोल बना होता है, ये वायरस किससे बना होता है? प्रोटीन प्लस डीएनए या प्रोटीन प्लस आरएनए, केवल प्रोटीन, आरएनए या डीएनए? तो इसके लिए सही आंसर होगा आपका प्रोटीन तथा आरएनए से मिलकर बना होता है। जीवाणु समझ लेते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने, लुई पाश्चर ने, लीवेनहॉक ने या रॉबर्ट हुक ने? तो इसके सही आंसर होगा लीवेनहॉक, लीवेनहॉक ने इसकी खोज की थी। अब आपको बताना है कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था। कमेंट बॉक्स बताएं रॉबर्ट हुक ने क्या किया था। फिलहाल मैं बता देता हूं, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी और इसे शिला कहा था, ऐसा हम पढ़ा चुके हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1664 में। जीवाणु वायरस से अलग होता है क्यों? इनमें अनुवांशिक पदार्थ होता है इसलिए अलग होता, इनमें केंद्रक नहीं होता इसलिए अलग होता, या कोशिका द्रव स्पष्ट होता है इसलिए अलग होता, या रोगजनक होते हैं इसलिए अलग होता? तो इसके लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जो कोशिका द्रव होते हैं वो स्पष्ट होते हैं अलग अलग, इसीलिए अलग होते हैं। जीवाणु भोजी होते हैं, वायरस पादप वायरस, जंतु वायरस, जीवाणुओं के वायरस, या इनमें से कोई नहीं, अनवधि? जीवाणु भोजी जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं ऑप्शन नंबर सी, जीवाणुओं के वायरस। जीवाणुओं और विषाणुओं से होने वाले रोग, यानी जो जीवाणु और विषाणु होते हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है? एलर्जी, असंयोगात्मक रोग या संक्रामक रोग या अल्पता रोग? तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। टीबी रोग के लिए नियंत्रण के लिए टीका लगाया जाता है, बीसीजी, एलसीजी या कोविड-19 या वैक्सीन? तो इसके लिए सही आंसर होगा बीसीजी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।